नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास श्रीमद् भगवद गीता की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आठवां अध्याय चल रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अंत समय में जो हमारा ध्यान करते हैं तो उनको पुनर्जन्म के चक्र में नहीं घूमना पड़ता है, वो हमारे लोग को प्राप्त करते हैं। आगे आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम पेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म क्यों नहीं होता है और किसी भी लोक में जाएं तो पुनर्जन्म क्यों होता है, इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो कहते हैं ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, समझिएगा, ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा का लोक जो है वो, क्योंकि सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात ब्रह्मा की होती है, इसलिए सबसे अधिक समय जिस लोक के पास है वो ब्रह्मलोक है। जरा इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा मोटा मोटा काल चक्र को समझें। जैसे हमारा 24 घंटे का दिन रात होता है, ऐसे हमारा एक वर्ष जो है वो देवताओं का एक दिन और एक रात होता है। जो देवशयनी एकादशी आती है तो देवता सो जाते हैं, देव उठी एकादशी आती तो देवता उठ जाते हैं। तो हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। ऐसे ही देवताओं के वर्षों के अनुसार कालचक्र में युग आता है, और जब सारे युग पूरे होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ब्रह्मा की जब रात्रि आती है तो एक तरीके से प्रलय हो जाती है। और ऐसे ब्रह्मा के दिन रात चलते रहते हैं जिसमें सृष्टि का जन्म होता है, सृष्टि का प्रलय होता है। लेकिन इस सबसे पर वो पर ब्रह्म परमात्मा है जिसका न तो आदि है न अंत है। तो जिसका अंत नहीं है और जिसका आदि भी नहीं है, जो अनादि अनंत है, तो उसके समय की कोई सीमा नहीं रहती है। अब ब्रह्मलोक में जो गया है वो जब ब्रह्मा का दिन शुरू होगा तो उसको सृष्टि पे आना है, और जब ब्रह्मा की रात शुरू होगी तो उसको सृष्टि में समा जाना है, प्रलय में समा जाना है। जो देवलोक में होंगे उनको देवताओं के समय के हिसाब से चलना है। हम मृत्युलोक में हैं तो मृत्युलोक के समय के हिसाब से चलते हैं। तो श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक आ ब्रह्म भुवनान लोकान, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, भू भुआ स्वा ये सब लोकों के नाम हैं, अर्थात इन लोकों में गए हुए व्यक्ति को पुनः वापस आना है और अवश्य आना है। माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन मुझे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरी कोई समय सीमा ही नहीं है। जहां समय सीमा है, समय पूरा होगा वहां आपको जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जब मुझे प्राप्त करता है तो मेरी तो कोई समय सीमा ही नहीं है, तो मुझ में मिला हुआ व्यक्ति वो हमेशा के लिए मेरा होके रह जाता है। सहस्र युग पर्यंतम महर्यद ब्रह्मणो विदुः। देखिए, समय की जो मैंने थोड़ी बात की थी उसको यहां स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सहस्र युग पर्यंतम, हजार युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः। जो ब्रह्मा है उनका समय माना जाता है, हजार युग पर्यंत जो ब्रह्मा का दिन होता है, और ऐसे हजार युग पर्यंत जो ब्रह्मा की रात्रि होती है। इस दिन रात के काल चक्र को, समय को जो व्यक्ति समझ लेता है, तेहो रात्रिविद् हो जना, वो दिन रात के जानकार हैं। देखिए, इस समय का बड़ा महिमा है। अगर आप योग्य समय पे योग्य बात बोलते हैं तो उसके परिणाम बड़े अच्छे होते हैं।
जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तब आपको जवाब याद ना आए और फिर घर जाके वो जवाब खूब अच्छे तरीके से याद आए तो किस काम का। टाइमिंग का बड़ा महत्व है जीवन में। जो परफेक्ट टाइमिंग के साथ चलते हैं, जिनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, वो हमेशा सफल होते हैं। यहाँ पे भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति जब इस टाइमिंग को समझ जाएगा, जब उसको मालूम पड़ जाए कि देवताओं का लोक है वो इतने टाइम तक के लिए है, ब्रह्मा का लोक है वो इतने टाइम तक के लिए है, ये है तो इतने टाइम तक के लिए है, तो उसको जितने टाइम तक जिस लोक में रहना है वहां की वो प्रार्थना करे, वहां की पूजा करे, अर्चना करे या उस लोक को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। और जब इस समय को जान जाएगा तो ये भी जान पाएगा कि भैया मेरे यहाँ की कोई अवधि नहीं है, मैं तो अवधि शून्य हूं, तो फिर वो इसलिए भी प्रयत्न कर सकता है। तो इस काल की गति को, इस समय के चक्र को जो जानते हैं वही काल तत्व के जानकार हैं। अव्यक्ता व्यक्त्या सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलियन्ते तत्रैव व्यक्त संगे के। अब ब्रह्मा के दिन की बात की, ब्रह्मा की रात्रि की बात की, उस चीज को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा का दिन होता है तो अव्यक्ता व्यक्त्या सर्वे, तो अव्यक्त में से सभी व्यक्त हो जाते हैं, यानी प्रलय में से सबका जन्म हो जाता है। रात्रागमे, जब उनकी रात आती है तो प्रलियन्ते, सबका प्रलय हो जाता है। तत्रैव अव्यक्त संगे के, और उसी को अव्यक्त कहा जाता है। यानी ब्रह्मा के दिन के साथ ये सृष्टि व्यक्त होती है, ये सृष्टि का उदय होता है, और ब्रह्मा की रात्रि के साथ इस सृष्टि का प्रलय होता है, ये सृष्टि उसी में समा जाती है, लेकिन खत्म कुछ नहीं होता है। समय पूरा होगा तो फिर जन्म लेना है, और जन्म लिया है तो फिर समय पूरा होने के बाद मृत्यु होगी। तो ये जीवन मृत्यु का चक्र ब्रह्मा की सृष्टि तक सर्वत्र चलता रहेगा। ब्रह्मा के लोक तक जब तक आप जा रहे हैं, तब तक किसी भी लोक में आप जाइए, वहां की एक समय सीमा है, और उस समय सीमा के अनुसार आपको पुनः पुनः इस संसार में व्यक्त और अव्यक्त होना पड़ेगा। अव्यक्त यानी आपकी मृत्यु होगी, व्यक्त यानी आप जन्म लेंगे। भूत ग्राम सएवायम भूत्वा भूत्वा प्रलियते, वही जो मैंने आपसे कहा आगे शब्दों में व्यक्त हो रहा है कि भूत ग्राम सएवायम भूत्वा भूत्वा प्रलियते। ये जितना भी सृष्टि का चक्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सृष्टि का एक अंग है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पुरुष सूक्त देखते हैं तो उसमें सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा जो वर्णन पाया गया है, उसके अनुसार एक बड़ा ही जो ब्रह्मांड है ना, वो उस ब्रह्म का अंड है। हिरण्यगर्भा समवर्तता अग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कश्मीर देवाय अविखा विधेम। हिरण्यगर्भ सूक्त में भी उसी की बात हुई है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और उसमें बहुत सारी सृष्टियां हैं, एक सृष्टि नहीं है। देखिए, हमारे वैज्ञानिक भी इस खोज में लगे हुए हैं, और कभी एलियंस की बात आती है, कभी किसी की बात आती है जो किसी अन्य सृष्टि से हमारे यहां आते हैं, इस प्रकार की बात चलती है। तो विज्ञान इसकी खोज कर रहा है, लेकिन हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी सृष्टियां हैं, और हर सृष्टि में एक ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। वो सृष्टि उस ब्रह्मा का जीवन काल है, और उस सृष्टि की सारी जवाबदारी इन्हीं देवताओं के ऊपर होती है। आप कुछ इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। लेकिन वो जो पर ब्रह्म परमात्मा है, इन सब सृष्टि के ऊपर जो ब्रह्मांड का नायक है, अखिल ब्रह्मांड नायक जिसको कहेंगे, वो जो है कृष्ण कहते हैं वो मैं। ध्यान दीजिए, भूत ग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलियते। ये पंच महाभूतों से इस सृष्टि के चक्र में जिसका जन्म होता है, भूत्वा भूत्वा प्रलियते, समय आने पर उनका सबका नाश होता है, और फिर उसी रात्रि में रात्र्यागमे वशा पार्थ है प्रभंत्यारागमे, रात्रि होती तो उसी में समा जाते हैं, दिन होता तो फिर प्रकट हो जाते हैं। देखिए, इस सृष्टि की बात करें जिसमें हम लोग रह रहे हैं,
अब तो बड़ी लाइटिंग वाइटिंग हो गई और रात दिन सब एक जैसे कर दिए हैं, 24-24 घंटे फैक्ट्रियां चलती हैं। लेकिन अगर आप आज भी किसी गांव में चले जाएं तो रात्रि में जैसे प्रलय आ गया वैसे सब सुनसान होता है, और सुबह हुआ उसके साथ फिर सारी सृष्टि अपने कामों में लग जाती है। तो ब्रह्मा की सृष्टि में या देवताओं की सृष्टि में या सर्वत्र यही चीज पाई जाती है, इसी चीज की बात यहाँ पे कर रहे हैं। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना, उस अव्यक्त से परस्तस्मात् विचक्षण पर एक विशिष्ट प्रकार का सनातन अव्यक्ता जो सनातन है और अव्यक्त है। यह सा सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति, वो मेरा लोक है जहां इन सब के नाश होने पे भी जिसका नाश नहीं होता है। जरा समझे इस चीज को। देखिए, जब ब्रह्मा की सृष्टि में प्रलय आएगा तो ऐसा नहीं कि देवताओं की सृष्टि में प्रलय नहीं आएगा, क्योंकि ब्रह्मा के नीचे जितने हैं, यानी अगर हम ये माने कि एक घड़ी के अंदर जो घंटे वाला छोटी वाली सुई है जो घंटे को दर्शाती है वो ब्रह्मा है भाई, वो एक राउंड पूरा करेगी पूरी घड़ी का तो 12 घंटे होंगे, लेकिन वो जब एक राउंड पूरा करेगा तब तक सेकेंड वाली घड़ी के कितने राउंड हो जाएंगे, जो मिनट वाली घड़ी है उसके कितने राउंड हो जाएंगे, जब आप विचार करेंगे तो यही है। लेकिन अगर वो घड़ी बड़ी वाली नहीं छोटी वाली यानी घंटे वाली सुई अगर बंद हो जाती है तो बाकी सबको भी बंद तो होना ही होगा ना। तो ये ब्रह्मा की सृष्टि के विलय के साथ संपूर्ण सृष्टियों का विलय हो जाता है, लेकिन इन सबसे परे परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना, जिसको ये व्यक्त और अव्यक्त, ये जहां न तो अंत है न जिसका आदि है, ऐसा जो सनातन है, यह सा सर्वेषु भूतेषु, जो सभी भूतों में एक विशिष्ट नश्यति, उनके नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता है, ऐसा अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमामते, यम प्राप्तिना निवर्तन्ते तद्धाम परमामते, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से जाना जाता है उस पर ब्रह्म परमात्मा की बात कर रहे हैं। क्योंकि आठवें अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों में जब कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था कि ब्रह्म क्या है, तो अक्षरम परमम ब्रह्म, यही उस चीज की शुरुआत की, तो वही कह रहे हैं अव्यक्तो अक्षर इति उक्त तमाहु परमानुगति, भाई उस अव्यक्त को अक्षर इस नाम से अभिहित किया जाता है, और वही अक्षर नामक जो अव्यक्त भाव है उसको प्राप्त करना, यही तो परम गति है। परम गति क्या है? उसी अक्षर भाव को प्राप्त करना है, इसी का नाम परम गति है। और जब व्यक्ति उस परम गति को प्राप्त कर लेता है, यम प्राप्त बिना निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कभी वापस नहीं आना होता है, तद धाम परमम है, वो मेरा परम धाम है, मेरा श्रेष्ठ लोक वो है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि भैया जीवन में जैसे पहले कहा कि आप जिस देवता की आराधना करेंगे आपको उसी का फल मिलेगा, इसी प्रकार से यहां कहते हैं कि आप जिस लोक में जाएंगे उस लोक की समय मर्यादा के अनुसार आप उस लोक में निवास करेंगे, और फिर आपका जन्म होगा और फिर आपकी मृत्यु होगी। लेकिन जब आप हमारे लोक में आएंगे, क्योंकि इसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि ना तो इसका आदि है ना इसका अंत है, इसलिए यहां आने के बाद फिर कभी पुनर्जन्म नहीं हुआ करता है, फिर व्यक्ति हमेशा के लिए उस अक्षर परब्रह्म परमात्म तत्व में विलीन हो जाता है, या उसी लोक में जा करके और हमेशा के लिए वहीं का होकर के रह जाता है। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत। श्रीमद भगवद गीता की वीडियो चल रहे हैं, आठवां अध्याय चल रहा है। धन्यवाद।